सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं मौलिका शर्मा। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला भारतीय और नेपाली लोगों का त्यौहार है। ये पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रंगों का त्यौहार कहा जाने वाला ये पर्व पारंपरिक रूप से दो दिन मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन पूरी पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं और दूसरे दिन फिर दोस्त बनकर एक दूसरे के गले लगते हैं। इस बार होली पर हम भी क्या कुछ विशेष कर सकते हैं, तमाम जानकारियां लेकर हमारे साथ हमारे से कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं गुरुवार के भारद्वाज जी, जो आज देश नहीं बल्कि विदेशों में भी जाने जाते हैं। आइए जानते हैं कैसे मनाएं होली का ये पर्व उनके साथ। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। और आपको होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं सबको, सब दर्शकों को जो देख रहे हैं। होली, आपको होली की लख लख बधाई जी। सबसे पहले तो गुरु जी, आप हमें बताएं होली कब मनाई जाती है। देखिए, फागुन मास, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, ठीक है, होली का त्यौहार मनाया जाता है। और पूर्णिमा को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि अगर बड़े गौर से देखा जाए तो सर्दियां उतर जी जा रही हैं और गर्मियां आ रही हैं। कई प्रकार के वायरस इस वक्त पैदा हो जाते हैं, ठीक। तब ये आग की परंपरा, नाचना गाना और रंग लगाना, ताकि शरीर को हम साफ कर सके, घरों को साफ कर सके, ये इसके पीछे के कारण जी। गुरु जी, कहते हैं दिवाली जो हम मनाते हैं 5 दिन की और साथ ही साथ नवरात्रे 9 दिन की, तो होली कितने दिन के मनाते हैं, आप हमें बताएं। देखिए, होली मनती है 2 दिन। दूसरी दिन तो वो सिर्फ एक जश्न है, एक उत्सव है, आप गाते हो, मनाते हो, रंग लगाते हो, मगर मुख्य त्यौहार जो है होली का दहन है, जिसको हम प्रमुखता से मनाते हैं। जो पूजा के लोग या परिवार की सुख समृद्धि चाहते हैं, वो होली का दहन को बड़े ढंग से मनाते हैं। मुख्य महत्व होली का दहन का है, यानी कि उस दिन किस तरह से इसको मनाया जाए, यही मुख्य चीज है। बाकी अगला दिन तो सिर्फ जश्न मनाने का, तो उस दिन घटना हुई थी होलिका दहन के वाले दिन, और अगले दिन लोगों ने उसको उत्सव के रूप में मनाया कि भाई हमारे प्रहलाद नहीं जले, होलिका का खुद ही दहन हो गया जी। और हिरण्यकश्यप को परेशानी हुई। ये होली का 2 दिन का त्यौहार है जी। इसकी पौराणिक कथा क्या है गुरुजी, ये भी आप हमें बताएं। जैमिनी के पूर्व मीमांसा शास्त्र कथा, ग्रह सूत्र, नारद पुराण, भविष्य पुराण और आदि बहुत बड़े बड़े ग्रंथों में इसका वर्णन है। विंध्य क्षेत्र में चले जाओ, रामगढ़ नामक स्थान पर ईसा से 300 साल पहले होली को मनाने का प्रमाण है। यानी कि भगवान कृष्ण के जमाने में चले जाओ, तब होली का प्रमाण है, पौराणिक प्रमाण है। ये कोई आज की मनती हुई होली नहीं जी। हमने सुना है कि मुगल भी मनाते थे होली, क्या ये बात सत्य है जी? अकबर का जोधाबाई के साथ, जहांगीर का नूर जहां के साथ, और अलवर के संग्रहालय में चले जाओ, वहां पर बहुत सारे चित्र हैं जिसमें जहांगीर को होली खेलते हुए दिखाया गया है। मगर जब शाहजहां का जमाना आ गया था, तब उसने होली का रंग बदल दिया था और होली का नाम रख दिया था ईद गुलाबी या आबे पाशा, यानी कि रंग की बौछार। उसमें भी उसने अपने मजहब को डाल दिया था, अदरवाइज होली का तो वही त्यौहार था। उसके बाद जो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके मंत्री
रंग लगाने जाया करते थे और विभिन्न प्रकार के रंगों को मिलाया करते थे, बनाते थे और स्वयं भाषा भी होली को खेला करते थे। जी गुरुजी, इस पर्व से जुड़ी कोई कथा भी है तो वो भी आप हमें बताएं। एक राजा का एक दस्यु है, हिरण्यकश्यप उसका नाम है। वो हिरण्यकश्यप इतना इतना क्रूर है कि उसके भाई को भगवान विष्णु ने उसका वध किया था। अब वो भगवान विष्णु को मानने की इजाजत नहीं देता, भगवान विष्णु को वो अपना शत्रु समझता है। बस इसी भावना को ध्यान में रखते हुए वो सबको विष्णु पूजा पर प्रतिबंध लगाता है, मगर स्वयं का बेटा उनकी इस बात को मानता नहीं और वो भगवान की अनन्य पूजा करते जी। बस इसी बात में राजा बड़ा क्रोधित होता है और वो अपने बेटे को मारने के लिए कई प्रकार के प्रपंच रचता है। यानी कि एक बार उसको हाथियों के अंदर डलवा दिया, एक बार उसको पानी में घेर दिया, आग में, पहाड़ों के ऊपर से घेर, ताकि किसी तरीके से ये विष्णु समर्थक, विष्णु का भक्त, और जो मैं नहीं चाहता कि मेरे राज्य में ऐसे समर्थक, ऐसे भक्त पैदा हो, वो उनको प्रताड़ित करता है। मगर वो भगवान की भजन, भगवान के पूजन को नहीं छोड़ते। अंत में हिरण्यकश्यप को ध्यान आता है कि उसकी एक बहन है जिसका नाम है होलिका। वो होलिका के पास जाता है और उसके पास एक वरदान था। कुछ लोग कहते हैं कि उसके पास एक चादर थी, वो ओढ़ लेती थी तो चादर जलती नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण करती थी और वो अग्नि प्रतिरोधक क्षमता उसमें थी। अब वो प्रहलाद को लेती है और गोद में बिठाती है और बहुत खिलवाड़ करती है, उनसे मनोरंजन का एक साधन बनाती है और लेकर जाके सजाई हुई चिता है और जाके उस पर बैठ जाती है और प्रहलाद को गोद में ले लेती है। घमंड है, गुरूर है, अभिमान है, क्या कि मैं अग्नि से नहीं जलूंगी। प्रतिशोध है किससे? बच्चे से जी। जो कि भगवान विष्णु का भक्त है। जी। अब भक्त को अभिमान से, घमंड से तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि भक्त के अंदर भाव क्या होता है? समर्पण। भगवान के प्रति समर्पण जब हो जाता है तो ईश्वर उनके हर प्रकार से रक्षा करते हैं। अब वो समर्पण के भाव को अभिमान और घमंड से अगर तोड़ना चाहे, यही होली का मुख्य उद्देश्य आपको बताने का है। जी। आग लगा दी जाती है। अब उसको लगता कि नहीं, मैं तो नहीं जलूंगी। नतीजा होली का स्वयं जल जाती है और प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है। जी। ऐसा चमत्कार हम कहां देखते हैं? होली का दहन में। अब मानिएगा, एक बात आपको सच बताता हूं, ये घटना हमारे हमने इसके प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है कि एक कुम्हार थे और वो बर्तन बनाया करते थे, तो बिल्ली अपने बच्चे को मटके में पैदा कर देती है। बड़ा मटका था और वो मटके में पड़ा हुआ, उसके बाद वो भूल जाता है कि इस मटके में मेरा बिल्ली का बच्चा, का गुस्से को पता ही नहीं था, कच्चा था। अब आवा बनाना था, आवा का मतलब होता है जहां पर सारे बर्तन रख के आग लगाई जाती है ताकि बर्तन पक जाए। उसको रखा गया, आवा तैयार किया गया, उसका फेरनहाइट जो टेम्परेचर होता है 150-160 से ऊपर जाता है, और जब उसको जलाया गया, लगा दी आग, तब किसी ने उन बताया, अरे तो बच्चे थे उसके अंदर। उसने बोला, मैं तो भगवान कृष्ण का उपासक हूं, विष्णु को मानता हूं, तो जरूर इनकी रक्षा होगी। अब यकीन मानिएगा, जब आवा खोला गया, बिल्ली अपने बच्चों समेत सुरक्षित थी। उस गांव में आज भी उसका मिसाल दी जाती है कि किस तरह से होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित। जी, जब ये पर्व मनाया जाता है तो स्टार्टिंग में, शुभारंभ में क्या कुछ वैसा विशेष किया जाए, आप हमें बताएं। देखिए, वैसे तो ये जो पर्व है करीबन करीबन
15 दिन पहले से ये शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, एक आहाता ले लेते हैं, आपने भी देखा होगा, उस आहाते में ये एक बहुत बड़ा डंडा या झंडा गाड़ देते हैं। ठीक है, और उसको गाड़ने से ये एक इशारा हो जाता है भाई होलिका दहन यहां होगा। ठीक, उसके बाद आप मैं सब लोग लकड़ियां लाते हैं, उपले लाते हैं और ला ला के उसका ढेर लगाना शुरू कर देते हैं। यानी कि 10-15 दिन वो खूब लकड़ी इकट्ठी करते हैं, टहनियां, छोटे छोटे बचे टुकड़े, घर का लकड़ी का सामान सब ला के रख देते हैं। अब उसके बाद शुरू होती है, जिस दिन होली दहन है तब होली की पूजने की परंपरा जी। एक थाली लेते हैं, उसमें रोली डाल लेते हैं, कच्चा सूत रखते हैं, चावल रखते हैं, फूल रखते हैं, हल्दी रखते हैं, मूंग रखते हैं, उसके बाद बताशे, नारियल और गोबर के बड़ूले बोलते हैं। बड़ूले उसको क्या बोलते हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द है। गोल रिंग बना के उसके बीच में छेद करते हैं गाय के गोबर के, और उसके अंदर रस्सी पिरोई जाती है, और पिरोने के बाद उसके मालाएं बना ली जाती हैं, उसके हार बना लिए जाते हैं, वो अलग रख लेते हैं। अब मुहूर्त निकाला जाता है कि भाई होली का दहन इस वक्त है, और जब होली का दहन होने लगता है तब उस स्थान की पूजा की जाती है। सबसे पहले पानी छिड़का जाता है, इसको हम बोल देते हैं पवित्रीकरण करना। पवित्रीकरण करने के बाद गणेश जी का और अंबिका का पूजन होता है। गणेश अंबिका का पूजन करने के बाद भगवान नरसिंह जी का ध्यान होता है, उनकी पूजा करते हैं पंचोपचार से। नरसिंह जी का पूजन करने के बाद, उनका ध्यान करने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद फिर पूजा होती है प्रह्लाद की। प्रह्लाद की भी पूजा पंचोपचार से होती है। पांच उपचार का मतलब है धूप दीप नैवेद्य तिलक लगा के फल फूल रखते ना, ये है पांच प्रकार से। उसके बाद प्रार्थना की जाती है कि आप हमें भी उतना समर्थ प्रदान करें ताकि हम भी संसार के इस मायावी चक्र से छूट जाएं, जैसे कि आप होलिका के चुंगल से बच गए जी। तो इस दिन के मुहूर्त के विषय में भी आपसे जरूर जानेंगे गुरु जी। मैं बताता हूँ जी, उसके बाद जितना सामान होता है सारा चढ़ा देते हैं, और जो वो गोबर की बनी हुई मालाएं होती है ना, बहनें उन मालाओं को अपने भाइयों के सर के ऊपर से घुमा के वार के और होलिका के अंदर फेंक देती है। इसका मतलब है इस होलिका के साथ हम अपने भाइयों के बुरे ग्रहों को, ग्रह दोषों को हम होलिका में दहन कर रहे हैं, और दहन करने के बाद फिर होली का जला देते हैं। 140-150 डिग्री का टेम्परेचर हो जाता है और उस समय उसकी परिक्रमा की जाती है, जिससे शरीर का कई प्रकार से शोधन हो जाता है। ये है होली का दहन जी। मुहूर्त के विषय में भी आप हमें जरूर बताएं गुरु जी। देखिए 18:26 से 20:55 तक होली का दहन होना है, और 2:29 का कुल मिला के होलिका दहन की अवधि है। भद्रा में पूछा 15:54 से 16:58 तक, ठीक है, और इसलिए 18:26 से शुरू कर देना। भद्रा का मुख्य है 16:58 से लेके 18:45 तक, ठीक है जी। उसके बाद आपके अगले दिन आएगी होली रंग वाली, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 1 मार्च 2018 को 8:57 से, और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 2 मार्च 2018 को 6:21 पर। तो ये हुआ कुल मिलाकर आपका होली का जवाब। गुरुजी, लठमार होली के विषय में हर व्यक्ति जानता है, इसकी प्रथा के विषय में क्यों मनाई जाती है, क्या कारण रहा, इस जोड़ी विस्तार पूर्वक जानकारी आप हमें अवश्य दें। बहुत अच्छा। देखिए लठमार, वैसे तो होली तमाम हिंदुस्तान में मनाई जा रही है, मगर ब्रज भूमि में लठमार होली की परंपरा है। क्या आप जानते हैं कि रंग की परंपरा क्यों शुरू हुई? जी जी नहीं। फिर लठ की ही परंपरा क्यों शुरू हुई? ये दो प्रश्न है, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देता हूं।
कंस बहुत अत्याचारी राजा है, नंद वहां से चले आते हैं और पहाड़ी है, ब्रिज पर पहाड़ है, पहाड़ पर नंद गांव को बसा लेते हैं बरसाना के साथ। और अब बच्चे जो हैं सारे इकट्ठे होते हैं, होलिका का दिन रहता है। आपको शायद नहीं पता, अगर आप गांव में जाके देखें तो बहुत सारे गांव के अंदर होली पता किस तरह से खेली जाती है, नालियों के पानी से जी। गोबर लगा देते हैं, वो लगाते हैं। उस समय इन चीजों से बचाव के लिए भगवान कृष्ण ने स्वयं गुलाल की प्रथा शुरू की थी कि भाई ये गंद नाली के पानी से क्या खेलते हो, ये लो या गोबर लगाना, वो ठीक है जी। उसके बाद अब दुश्मनी किससे है, राजा के कंस के सैनिकों से, और कंस उनको ढूंढता था, मौका मिलता था मारता था। तब भगवान कृष्ण ने कहा उनको कि भाई हम नंद गांव से तुम्हारे गांव की तरफ आएंगे और तुम हमें लठ मारना, उसका मतलब, और हम अपना बचाव करेंगे। अब इसमें दो प्रयोजन सिद्ध हो रहे थे। पहला प्रयोजन तो ये था कि उनको ये सिखाया जा रहा था कि अगर कल को सैनिक आते हैं कंस के तो तुम अपने लठों से अपना बचाव कैसे करोगे और उन पर आक्रमण कैसे करोगे। टोकरियों से मतलब ये था, उनको ट्रेनिंग थी कि आप हमें चारों तरफ से लठ मारे, हम अपना बचाव किस तरह से करेंगे। ये वो परंपरा आज भी ब्रज में बरसाना और नंदगांव के बीच में मनाई जाती है और दुनिया में विश्व विख्यात, और दूर दूर से लोग, मीडिया के लोग कैमरे लगाते हैं, कई कई दिन उसको रिकॉर्ड करते हैं और देखने के लिए कि लठमार होली का अर्थ क्या है जी। हमने देखा है जब हस्बैंड वाइफ लठमार होली मना रहे होते हैं तो जोर जोर से औरतें जो हैं वो अपने आदमियों को, अपने हस्बैंड्स को डंडे मार रही होती हैं। ये क्या मार रही होती है, आपकी बात ठीक है। आप एक बात याद रखिए, लठमार होली में आज तक कौन मरा जी? लठमार होली के अंदर मारना हो तो टांगों पे मारे ना, मारते क्या जहां पर ढाल होती है। टांगों पर मारने का मतलब है आदमी सेफ हो जाएगा, चोट लगेगी ठीक हो जाएगा, इसलिए वो सिर पर मारा करते थे। और उनसे बचाव के लिए वो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की ढालें बनाते थे और उन लठों से अपना बचाव करते थे। ये विधि है लठमार होली जी। भारत के अन्य हिस्सों में किस प्रकार मनाई जाती है होली, आप हमें बताएं। देखिए, कुमाऊं में शास्त्रीय संगीतों के साथ मनाई जाती है, हरियाणा में घुलंडी बोलते हैं इसको, और भाभी, आज के दिन भाभी को देवर सताता है, और बंगाल के अंदर ढोल जागा में के रूप में मनाई जाती है, और जो महाप्रभु के जन्मदिन के दिन मनाई जाती है, महाप्रभु भगवान कृष्ण के 500 साल के बाद भगवान कृष्ण का प्रेम अवतार होता है महाप्रभु, उसके साथ महाराष्ट्र में रंग पंचमी मनाई जाती है, और इसके अलावा पंजाब में होला मोहल्ला मनाया जाता है, तमिलनाडु में कमल पेंगई मनाई जाती है, मणिपुर में याओ सांग कह के मनाई जाती है, छत्तीसगढ़ की होली में बड़े गीत संगीत चलते हैं, मध्य प्रदेश में मालवा के अंचल में बहुत अच्छी तरह मनाई जाती है, बघेरिया करके बोलते हैं उसको, नेपाल में होली का बहुत बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। कुल मिला के हिंदुस्तान के पूरे भारत के भाग में होली का उत्सव बड़े जोश और खरोश से मनाया जाता, आपस का भेदभाव मिटाकर एक दूसरे को रंग में रंग कर, ये है होली का भारत में प्रचलन जी। चलते चलते कुछ विशेष बताना चाहेंगे, कोई विशेष उपाय किया जा सकता है होली के दिन? देखिए, होली नजर उतारने का त्यौहार है जी। मैंने जैसा आपको बताया वो उपले अपने भाई के ऊपर से उतार के फेंकते हैं, वैसे ये बहुत विस्तृत बातें हैं। साधकों को अगर देखना है तो जाके देखो उन साधकों को जो गुप्त है, होली को किस ढंग से वो साधनाएं करते हैं। मैंने तो यहां तक देखा है कि सामने रख के पुलाव बनो, उपले का ढेर लगाकर, और वो अपनी योग अग्नि से उसको जलाते थे, और जलाकर उस अग्नि को में फिर वो अपना भोग डालते हैं। ऐसी ऐसी कई प्रकार की, जिसको हम
अग्नि संसाधन बोलते हैं, वायु संसाधन, जल संसाधन, अग्नि संसाधन, इस प्रकार की कई प्रक्रियाएं होली के दिनों में विशेष रूप से की जाती है। जी गुरु जी, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। होली पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चलते चलते आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप हमें दें इजाजत और हमारे तमाम दर्शकों को एक बार फिर से होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। होली आई है, होली आई है।